सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखवाने जा रही हूँ। पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और उसमें लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त का दिन हमारे देश की स्वतंत्रता का एक शुभ दिन है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वाधीन हुआ था। स्वाधीनता प्राप्ति के इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में अत्यंत हर्ष के साथ मनाते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे आप स्वतंत्रता दिवस का संक्षिप्त इतिहास और उसमें लिखेंगे आप भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा। इस बीच भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचार तथा शोषण के शिकार हो चुकी थी। इस पीड़ा से दुखी होकर सन 1857 ईस्वी में मेरठ में मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण युवक ने भारतीयों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का प्रयास किया। उसने सैनिकों के वैरकों से में विद्रोह की चिंगारी पैदा कर दी तथा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन छेड़ दिया। यह संघर्ष उचित नेतृत्व के अभाव में असफल रहा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों सैनिकों को मृत्युदंड देकर गोलियों से उड़ा दिया गया और विद्रोह को जहां का तहां कुचल दिया गया। कुछ समय के लिए तो विद्रोह शांत रहा, परंतु धीरे धीरे क्रांति की ज्वाला पूरे देश में भभक उठी। सन 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सत्याग्रह रूपी अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को अपने देश ब्रिटेन लौटने के लिए विवश कर दिया। 14 अगस्त 1947 की रात्रि 12:01 पर अंग्रेजों ने भारतीय कर्णधारों को सत्ता सौंप दी। अंत में 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तब से हमारे देश पर अपने देशवासियों का शासन हो रहा है। उसी आज़ादी को याद में हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति की वर्षगांठ मनाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस का महत्व। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। इस दिन हमने अत्याचारी विदेशी शक्ति के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त की थी। इसी दिन ब्रिटिश शासन के प्रतीक यूनियन बैंक का पतन हो गया। इस स्थान पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने लगा। इसी के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर विश्व समाज में अपना मस्तक ऊंचा कर सके। अब तीसरा है, चौथा हेडिंग है स्वतंत्रता दिवस मनाने का ढंग। इसमें है 15 अगस्त को प्रातः काल भारतवासियों के लिए एक नई उमंग लेकर आया। उस दिन सुबह से प्रभात फेरियां निकाली जाती है। भारत माता की जय, 15 अगस्त जिंदाबाद आदि नारों से अकाल गूंज उठता है। सरकारी कार्यालयों, विभिन्न स्थानों और विद्यालयों में इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। फिर वे लाल किले से देश की जनता के नाम संदेश देते हैं। पुलिस की परेड होती है। विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झांकियां निकाली जाती है। उस दिन दिल्ली दुल्हन के समान सज जाती है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिठाइयां वितरित की जाती हैं। इस अवसर पर जहां तहां काव्य गोष्ठियां, कवि सम्मेलनों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। रेडियो और दूरदर्शन से नए नए कार्यक्रम देखने सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार इस दिन सुबह से रात के 10 बजे तक स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन सभी लोग आपसी भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं। सारा देश स्वतंत्रता की खुशियों के महासागर में डूब जाता है। उसके बाद हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में लिखना है स्वतंत्रता दिवस हमारे भारतीय स्वतंत्रता के शहीदों को याद दिलाता है। इस दिन हम गांधी जी के तप, नेहरू जी के त्याग, सुभाष चंद्र बोस की वीरता,
भगत सिंह के बलिदान और तिलक के तथा गोखले के स्वाभिमान से महती प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने मन में यह प्रतिज्ञा करता है कि वह तन मन धन से अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। यह पर्व प्रतिवर्ष आकर हमें स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कटिबद्ध रहने का स्मरण कराता है। इस दिन हम देश के महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लेखकों का विचार सुनकर एवं पढ़कर राष्ट्र को वास्तविक स्थिति से अवगत होते हैं। भारत के भावी नागरिकों एवं कर्णधारों के हृदयों में राष्ट्रभक्ति की बीज अंकुरित होता है। स्वतंत्रता दिवस भारत के सौभाग्य का दिवस है, अतः हमें इस पर्व को बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। सद्भाव और एकता के सूत्र में बंधकर ही हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। बच्चों, अब अभी आपका स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। आप जैसा आप जानते हैं, इतने सालों से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, तो वही आपको इसमें लिखना है। आप ऐसा अगर आप किसी के पास कोई और भी निबंध की किताब है तो आप उसमें से भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता दिवस निबंध लिखने से पूर्व आप इसमें कॉपी में अपना झंडा या स्वतंत्रता अपना कोई भी प्रतीक चिन्ह जो हमारे देश से संबंधित हो आप कॉपी में बना सकते हैं, और सुंदर अक्षर में आप इसको कॉपी में लिखेंगे, पूरा करेंगे।